जिंदगी को कूल रखने के लिए जिज्ञासा इतने हेक्टिक शेड्यूल में सबसे ज़्यादा मेरे सेट वाले जानते हैं, मेरे स्पॉट वाले हैं जो स्पॉट दादा। जब भी मैं उनको देखती हूँ मैं बोलती हूँ नींबू पानी दे दो, नींबू पानी दे दो हमेशा। मतलब वो मैं उनकी तरफ एक लुक ही देती हूँ कि आजकल वो समझ जाते हैं कि नींबू पानी मैडम हाँ लेकर आते हैं। तो इट्स लाइक मैं दिन में कम से कम 10 बॉटल बड़ी वाली 5 लीटर की नींबू पानी पीती हूँ, और उसमें भी ज़्यादा शुगर कंटेंट कम होता है उसमें, थोड़ा ही होता है बिकॉज ऑफ द टेस्ट, ज़्यादा शुगर नहीं होता बिकॉज शुगर इज़ ऑल फैट। तो शुगर कम और नींबू बहुत सारे, तो आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट वे। और कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं पीते हम लोग यहाँ पर। सबसे ज़्यादा एक्टर्स नींबू पानी पीते हैं, और पूरी यूनिट इन फैक्ट टैंग आता है, नींबू पानी आता है, ग्लूकॉन डी आता है। सो पानी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन के लिए इन गर्मियों में, बिकॉज़ बेसिकली हम लोग जो मुंबई में रहते हैं सबसे ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। और हमारा इतना स्वेटिंग यहाँ पर, क्योंकि ह्यूमिड है, स्वेट बहुत ज़्यादा है, हम लोग उतने पसीने आ जाते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं आसपास में। सो पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ। अच्छा, तो गर्मी में शूट किस तरह से, मतलब कितना हेक्टिक होता है शूट तुम्हारा? एक्चुअली गर्मी सर्दी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही होता है कि मेकअप है फेस पर, जो भी एक्टर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ द मेकअप। मेकअप पिघल कर नीचे गिरने लगता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। तो मोस्टली सेट्स पर एसी लगा होता है, बट आजकल का ट्रेंड आई डोंट नो क्या हो गया कि सेट्स पर एसी नहीं होते हैं, एनाकोंडा सिस्टम है जिसमें कुछ ही होते हैं। तो काफ़ी गर्मी तो बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो हाँ, और आउटडोर शूट होता है तो हम लोग को ऐसा लगता है वो नो आउटडोर शूट है। आउटडोर शूट होता है तो तब क्या प्रिकॉशंस लेती है, मतलब किस तरह से? आउटडोर शूट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटडोर शूट के लिए सनस्क्रीन सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, वो एक दिन पहले ही पूछना पड़ता है कि कल आउटडोर है मतलब आज सनस्क्रीन लेनी है। एंड अपना सब अम्ब्रेला कैरी करके चलते हैं बिकॉज कभी अवेलेबल नहीं हो या हो तो एक फॉर द सेफ्टी साइड अम्ब्रेला एंड पानी, नींबू पानी बहुत ज़्यादा, और जितना हो सके मतलब शॉर्ट दो धूप में और एकदम से छाए में बैठ जाओ बिकॉज़ डिहाइड्रेशन के बहुत चांसेस रहते हैं आउटडोर्स में। या अच्छा, हम भी चाहेंगे कि कोई एक झटपट कैसे बनाना चाहिए अपने अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को बताओ कि अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं मोस्टली अपने घर पे क्या करती हूँ, अगर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ठंडा ठंडा पानी लिया, उसमें काफ़ी सारी आइस क्यूब्स डाली, उसमें 3-4 पत्ते पुदीना पेपरमिंट जो होता है उसके डाले, विच कीप्स यू वेरी कूल, और बहुत सारा नींबू डाला, और मैं शुगर की जगह उसमें हनी डाल देती हूँ बिकॉज़ हनी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो ये अगर आप बना के पियेंगे, इवन आइस टी जो आती है नेस्कैफे की, इट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छी होती है वो पीने में। आई वुड रिकमेंड कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें बिकॉज इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। या फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मियों में तो खाने का नाम देखते हैं, खाना नहीं खाना तो यहाँ पर सभी सेट वाले जानते हैं, मेरी पूरी कास्ट जानती है, मेरे घर से बहुत सादी सादी चीज़ें आती हैं लाइक खिचड़ी, दाल चावल, बहुत मिर्च मसाले का खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं, बहुत सादा खाना बनता है। एंड स्मूदी बहुत ज़्यादा पीती हूँ मैं, लाइक पपाया स्मूदी, वाटरमेलन स्मूदी यहाँ पर लेकर भी आती हूँ, बट लेकर आना इज़ नॉट गुड, मैं 2-3 बार ऐसा कर चुकी हूँ। बट ये जो स्मूदीज होती हैं, फ्रूट्स को जितना काट के जितना कम टाइम में हम लोग खा लें, दैट्स बेटर। या ओके, जब घर से निकलती हूँ तो मोस्टली गर्मियों में मैं अवॉइड करती हूँ छोटे कपड़े पहनना बिकॉज़ बहुत जल्दी स्किन बर्न हो जाता है, स्किन टैन हो जाता है। तो छोटे कपड़े आई वुड रिकमेंड गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए, जो कि सब लोग पहनते हैं, बट धूप में तो बिल्कुल ही नहीं जाए छोटे कपड़े पहन के। एंड मैं पर्सनली कॉटन बहुत पहनती हूँ बिकॉज़ वो सोखता है आपका स्वेट, एंड मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ प्लाजो विद कुर्ती, कॉटन कुर्तीज़। या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जितने भी टीवी पर अच्छे दिखते हैं कपड़े, उनमें बहुत सीक्वन वर्क होता है जो कि चुभता है, स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, पसीने आते हैं, तो वो और चुभता है, काफ़ी सारी मुश्किलें होती हैं। बट एट लास्ट मैं सोचती हूँ नहीं, इट्स कमिंग ऑन टीवी एंड इट्स लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन,
तो सब चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, बट यस थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे शॉर्टकट होता है टिश्यू लगा लेते हैं तुरंत, जिससे वो चुभे ना जितना टाइम शूट नहीं कर रहे हैं, एंड बोल कर रखते हैं कि इतने चुभने वाले मत दो, बट स्टिल अगर आते हैं ऐसे तो मोस्टली आई प्रेफर कि जैसे शॉर्टकट हो हम लोग कहीं फ़ैन में जाके बैठ जाएं, जिससे यू नो स्किन को प्रॉब्लम ना हो कुछ। घूमने जाओ, वैसे गर्मियों में अगर मुझे कोई कहे घूमने जाओ तो मैं बोलती हूँ नहीं घर में बैठेंगे इसी चला के, बट अगर घूमने जाने का है तो मैं हिली एरिया पसंद करूँगी जहाँ पर बर्फ़ भी पड़ रही हो, लाइक मनाली और रोहतांग। या माई फेवरेट प्लेस इन इंडिया इज़ रोहतांग ऑब्वियसली, एंड केरला ऑल्सो, एंड अब्रॉड में पेरिस एंड लंदन, यूरोप हाँ ये भी। नहीं जाकर नहीं आई हूँ मैं, बट जाना है अभी रिसेंटली, मुझे लंदन जाना है नवंबर में शायद, मतलब आई एम होपिंग, और आई वांट टू गो टू इस्तांबुल। एक्चुअली हुआ है, अभी हुआ है, हमारे बहुत सारे एपिसोड्स गए जिसमें हमने देखा है गोन्स के सीक्वेंसेस आउटडोर जिसमें हम भाग रहे हैं, वो सब इतनी ज़्यादा धूप में हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, एंड काफ़ी सारे लोगों को यहाँ सनस्ट्रोक भी है, मुझे भी थोड़ा सनस्ट्रोक का है प्रॉब्लम, बट स्टिल वो धूप में जब शूट किया मैंने एंड फुल धूप था तो मेरे आधे हाथ अलग कलर के हो गए, आधे हाथ अलग, ऐसे ही बिहान के साथ भी हुआ बिकॉज हम दोनों का ही शूट था कि हम लोग चौकोबार जैसे बन गए हैं, आधे ब्लैक और आधे वाइट, सो वो चीज़ देखकर ऐसा लगा ओ नो इंडोर शूट होगा तो ये तो बहुत दिखेगा टैन, अब क्या करें बिकॉज टाइम भी नहीं है कहीं जाकर अपने आप को यू नो पैम्पर करने का, तब लगा कि ओ गॉड गर्मी प्लीज़ चले जाओ हमारा शूट मत रखो धूप में। जाते जाते मैं यही कहूँगी, यही टिप्स दूँगी कि प्लीज़ धूप में मत निकलिए, अच्छा मौसम आने वाला है, मानसून आने वाला है, जम के मज़े करना, एंड इफ़ धूप में जाते भी हैं आप तो अपने घर से पानी कैरी कीजिए, इंस्टेंट बाहर से ख़रीदने की बजाय आई वुड प्रेफर कि आप फिल्टर्ड वाटर यूज़ करो, और गर्मियों में बहुत बीमारियों के भी चांसेस होते हैं, तो अपने आप को प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए बिकॉज प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर, बहुत सारा पानी पीजिए। या थैंक यू, दिस इज़ थपकी फ्रॉम थपकी प्यार की, एंड मेरा नाम है जिज्ञासा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ई फॉर यू न्यूज़, थैंक यू।